मैं आपको मनीष सिसोदिया द्वारा लिखी गई एक नई चिट्ठी के बारे में बताना चाहता हूं। और ये जो चिट्ठी है ये उनकी पिछली चिट्ठी से भी कहीं ज्यादा इमोशनल है और इस चिट्ठी में भी उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है। इस चिट्ठी के जरिए आज मनीष सिसोदिया ने फिर से विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया है और आज 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और वो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां इससे पहले 7 मार्च को भी ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी और आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में वो कहते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार ये सवाल मन में उठता रहा कि देश और राज्यों की सत्ता तक पहुंचे नेताओं ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति तन मन धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे से अच्छे स्कूल होते। और आगे चलकर सारी बात उन्होंने बच्चों और स्कूलों के बारे में लिखी है और असल में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस समय जेल में बैठे हुए भी उन्हें सिर्फ बच्चों की याद आ रही है, स्कूलों की याद आ रही है और सबसे पहले ही उन्होंने लिखा है दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अगर वो शिक्षा मंत्री हैं और सिर्फ स्कूल और कॉलेजों की ही बात करते हैं, बच्चों की ही बात करते हैं, तो फिर शराब घोटाले में उनका नाम कैसे आ गया? शराब घोटाले में वो क्या कर रहे थे? वो लोगों को ये नहीं बताते कि वो एक्साइज मिनिस्टर भी थे। वो ये नहीं बताते कि शराब घोटाले में उनका नाम शिक्षा देते देते शराब की तरफ कैसे निकल गए, ये भी उन्हें बताना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए अब हमने एक कार्ड परमानेंटली बनवा लिया है, वो कार्ड है ये जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, और अगर करीब से दिखा पाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पर लिखा है विक्टिम कार्ड, यहां देखिए, ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा है।